तो रिसेंटली रियलमी ने अपने 6 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो को इंडिया में लॉन्च करा है और ये दोनों स्मार्टफोन काफी कमाल के स्पेक्स के साथ आता है। और अब रियलमी अपना 6 सीरीज का नया स्मार्टफोन रियलमी 6i को लॉन्च कर दिया है, मगर यहाँ पे ये बात है कि ये स्मार्टफोन फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है बल्कि रियलमी 6i फिलहाल म्यांमार में लॉन्च हुआ है और जल्द ही ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो रियलमी 6i स्मार्टफोन जो है वो रियलमी 5i स्मार्टफोन का अपग्रेड है और ये स्मार्टफोन भी काफी सारे इंटरेस्टिंग स्पेक्स के साथ आता है। तो चलो बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन को लेकर। तो स्मार्टफोन के फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन के जो भी साइड बेजल्स है ना वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है जो स्मार्टफोन को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लुक देता है। साथ ही स्मार्टफोन के नीचे का जो चिन्ह है उसे भी काफी छोटा रखने का कोशिश करा गया है। अब अगर बात करें स्मार्टफोन की बैक साइड के डिजाइन के बारे में तो स्मार्टफोन का जो बैक पोर्शन है वो मे बी प्लास्टिक का बना होगा। इसके अलावा स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इस स्मार्टफोन में हमें स्पेसिफिकेशंस क्या-क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर। तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो इस स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक हेलियो G80 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और मैं बोलूंगा कि अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में 11,000 के प्राइस तक लॉन्च हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो इस स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है जहां पहला जो वेरिएंट है वो 3GB प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। साथ ही इसका दूसरा जो वेरिएंट है वो 4GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में तो स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जहां पे प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, थर्ड कैमरा एक डेप्थ सेंसर होगा, साथ ही फोर्थ जो कैमरा है वो एक मैक्रो लेंस होगा। इसके साथ ही स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब लास्टली बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में हमें 5000mAh का बड़ा बैटरी दिया गया है जो कि 18 वाट की क्विक चार्ज को सपोर्ट करेगा। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो ये स्मार्टफोन फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, ये फिलहाल म्यांमार में लॉन्च हुआ है और अगर आप म्यांमार की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताएं तो इस स्मार्टफोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 13,000 है और 13,000 में हमें 3GB प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो हायर वेरिएंट है जो कि 4GB के रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है जिसका जो प्राइस है वो 15,000 में लॉन्च करा गया है। तो अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में 10-11,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता है तो मैं बोलूंगा कि ये स्मार्टफोन इसके प्रोसेसर को देखते हुए एक्सेप्टेबल है, वरना मैं बोलूंगा कि ये स्मार्टफोन जो है वो इस प्राइस रेंज में एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसी प्राइस रेंज में सेम स्पेक्स के साथ हमें बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा दूसरे स्मार्टफोन में। तो नीचे कमेंट करके बताना कि जब Realme 6i इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में वो आकर कितना होना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।